आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? पूजा। क्या करते हैं पूजा में? सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, फिर उन्हें चंदन, तिलक, पुष्प इत्यादि, तुलसी, विल्व पत्र इत्यादि चढ़ाते हैं। इसके बाद आप लड्डू, मिठाई, पेड़ा, जो आपकी सामर्थ्य है चढ़ाते हैं। अब जरा जो पूजा आपने भगवान की, एक छोटी सी मेरी प्रार्थना है कि यही पूजा आपका पति आपकी करे और यही पूजा आप अपने पति की करो। आप भी अपने पत्नी के चरणों में एक लोटा जल चढ़ा दो, आप भी अपने पत्नी के जल चढ़ाकर जरा फूल इत्यादि चढ़ा दो, एक नारियल तोड़ दो पत्नी के पास और आप भी पत्नी की परिक्रमा लगाओ और आप भी पत्नी को मिठाई का एक डिब्बा रख दो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए रख दो, एक माला पहना दो अपनी पत्नी को, पूजा कर दो अपनी पत्नी की, धूप बत्ती जलाओ, आरती उतारो अपनी पत्नी की और आप पूजा अपनी पत्नी की करके और प्रेम करने पड़ोसन के पास चले जाओ तो आपकी पत्नी खुश होगी। आप पूजा करें अपनी पत्नी की और प्रेम करें पड़ोसन से, चलेगा मेरी मां? आपका पति ऐसा करे चलेगा? बोलो हाँ नहीं। भैया आपकी पत्नियां भी आपकी पूजा करें और प्यार पड़ोसी से करें, चलेगा नहीं? आप लोगों को क्या चाहिए जोर से, पत्नी से पूजा चाहिए या पत्नी से प्रेम चाहिए? पति से पूजा चाहिए या पति से प्रेम चाहिए? बेटे से पूजा चाहिए या बेटे से प्रेम चाहिए? आपकी बहू आपकी पूजा करे पर आपकी एक ना सुने, आपसे प्रेम ना करे, पूजा बस करे, प्रेम से ना खाना दे ना पानी दे और पूजा बराबर करे, तो बताओ ये पूजा से आप खुश होंगे? जरा विचार करो, बुद्धि लगाना, जिस पूजा से आप प्रसन्न नहीं हो सकते उस पूजा से भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? अपनी करके देख लेना ना, भगवान किससे प्रसन्न, आप किससे प्रसन्न होंगे? जोर से, पति का क्या चाहिए? प्रेम। पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सास बहू का, भाई भाई का, हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, हर व्यक्ति अपनों से प्रेम चाहता है, तो भगवान आपसे नारियल चाहेंगे, मिठाई चाहेंगे, पैसा चाहेंगे? भगवान ने भी तो कहा कि मेरा भक्त केवल मेरे से, शबरी ने क्या किया? भगवान से प्रेम ही तो किया। केवट ने कौन सी पूजा कर दी? केवट ने भगवान से प्रेम ही तो किया। मीरा ने कौन सी पूजा की? मीरा ने प्रेम ही तो किया। और उठाकर देखो इतिहास, भक्तों से भरा पड़ा है, किसी ने पूजा नहीं की, सबने प्रेम किया। प्रेम के बाद किया गया हर कार्य पूजा है, प्रेम के बाद किया गया हर कार्य पूजा है। और प्रेम के बिना आप सब, दुर्योधन ने 56 भोग चढ़ाए तो थे भगवान को, कहां ग्रहण किया? और शबरी के घर जाकर प्रेम के छिलके खाए, क्या खाए बोलो? भगवान क्या चाहते हैं आपसे? तो आप क्या करते हो? पूजा उल्टा करते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि पूजा ना करो, ना, पूजा हो पर कैसी? आप अपने सच्चे प्रेम को, भगवान के, भगवान से इतना प्रेम हो कि भगवान की याद में, गोविंद की याद में, भगवान के कीर्तन से प्रेम हो, भगवान के स्वरूप से प्रेम हो, भगवान की एक एक छवि से प्रेम हो। जैसे आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको देखे बिना रहते नहीं, हाँ या ना? आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको बार बार देखना चाहते हैं। माँ अपने बेटे से प्रेम करती है तो बार बार उसके पास जाकर उसे देखती है, जाग रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है,
बार बार माँ का ध्यान बच्चे की तरफ, एक प्रेम है ना, जो जिससे एक लड़की होने वाले पति से पता चल जाए कि इस लड़के से विवाह होना है और प्रेम भी है, तो वो बार बार उसे अपने मोबाइल पर देखना पसंद करेगी, बार बार वो उसे यदि है आसपास तो वो उसे देखना पसंद करेगी, मिलना पसंद करेगी। सोचिए कि जब आपका प्रेम संसार के लोगों को देखे बिना, जब आपका जी नहीं लगता, मिले बिना जी नहीं लगता, दर्शन किए बिना जी नहीं लगता, तो जब भगवान से प्रेम होता है ना जिस भक्त का, वो बार बार भगवान को देखना चाहता है, बार बार उनकी कथा सुनना चाहता है। आप जिससे प्रेम करेंगे आप उसके बारे में सुनना चाहेंगे, हाँ या ना? आपको जिससे प्रेम है आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं, अच्छी बातें सुनना चाहते, प्रशंसा चाहते हैं, तो आपको भगवान की कथा यदि बार बार सुनने में अच्छी लगती है तो समझ लो कि प्रेम है। और यदि आपको कथा में रुचि नहीं, दर्शन में रुचि नहीं, कीर्तन में रुचि नहीं, केवल लोटा भर पानी चढ़ाना, फॉर्मेलिटी पूरा करना, ये तो औपचारिकताएं हैं मेरी माँ, ये फॉर्मेलिटियां हैं, पूजा जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र सब ठीक है, पर इन सबके पहले आवश्यकता किसकी है? प्रेम की। भगवान को प्रेम से एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया जाए तो भगवान प्रेम का तुलसी का पत्ता स्वीकार करेंगे। उदाहरण से समझो ना, मेरा आपसे प्रेम है तो मैं आपके घर आऊंगा और आप मुझे बासी रोटी भी खवाएंगे ना तो मैं नमक के साथ खाऊंगा, अचार के साथ खा लूंगा। प्रेम है तो, प्रेम है तो सब चलता है। एक पत्ता भी आप दोगे ना प्रेम से तो मैं ग्रहण कर लूंगा। और प्रेम नहीं है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर अभिमान है, और आप उस अभिमान में अपने वैभव को दिखाने के लिए आप मुझे 56 भोग परोसे और मुझे समझ आ गया कि तू अभिमानी है, तो प्रेम की मैं बासी रोटी तो खा सकता हूँ, एक तुलसी का पत्ता मैं आपसे स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन अभिमान है तो ना आपके करोड़ों में स्वीकार करूंगा ना तो आपके 56 भोग को स्वीकार करूंगा। प्रेम है तो हर वस्तु ग्राह्य है, स्वीकार है। उसी तरह भगवान से जब भक्त प्रेम करता है तो प्रेम के बाद एक तुलसी का पत्ता देता है, एक बिल्व पत्र देता है, लोटा भर पानी देता है, वो स्वीकार है। और प्रेम है ही नहीं और ढारे जा रहे हो पानी, क्या होगा इससे? भगवान की भक्ति का पहला सूत्र है प्रेम। क्या शुरू में होना चाहिए वेश? प्रेम है। लेकिन आजकल तो केवल समाज में औपचारिकताएं दिख रही हैं, फॉर्मेलिटियां दिख रही हैं। वो प्रेम भगवान की यादों में रोने वाला प्रेम, इसलिए भगवान का कीर्तन किया करो घर में रोज, कीर्तन करो रोज, भगवान के नाम से प्रेम करो, भगवान के स्वरूप से प्रेम करो, भगवान का कीर्तन करो घर में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और उस कीर्तन में, उस प्रेम में आंखों में आंसू आ जाएं, ये प्रेम है, ये प्रेम पसंद है भगवान को। आप लोग प्रेम करते हैं किससे? संसार से। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रेम करना नहीं आता, आप अपनी पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, परिवार से प्रेम करते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं, आपको सबकी जरूरत है, पर आप भगवान से प्रेम नहीं करते। अब आप कहोगे नहीं महाराज जी हम तो करते हैं, करते होंगे आप, परंतु जितने प्रेम की जरूरत है उतना नहीं है। कितना प्रेम चाहिए? एक बात बताओ, लोहा पानी कब बन जाता है? लोहा कब पानी बन जाता है? जब अधिक ताप हो, जब अधिक ताप होगा तो लोहा पिघलकर पानी बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म पे आ जाएगा। अब ये बताओ कि लोहा आग में तपकर पानी हो जाता है,
तो आप सबके घर में रोटी बनाने वाला तवा है, वो लोहे का है। आज तक किसी के घर का तवा पिघलकर पानी हुआ? बताओ, जब आग में लोहा पिघल जाता है तो आपके घर की आग में तवा क्यों नहीं पिघला? उत्तर दो जोर से, सबको पता है उत्तर दो। क्योंकि उस लोहे को पिघलाने के लिए जितना ताप चाहिए उतना ताप आपके चूल्हे की आग में नहीं, जितना ताप चाहिए उतना ताप आपके चूल्हे की आग में नहीं है। उतना ताप तो केवल भट्टी की आग में है। उसी प्रकार लोहे को पिघलाने के लिए जितना ताप चाहिए उतना चूल्हे की आग में नहीं, इसलिए लोहा पिघलता नहीं। उसी तरह भगवान को पाने के लिए जितना प्रेम चाहिए उतना प्रेम अभी आपके पास नहीं, इसलिए भगवान मिलता नहीं। लोहा पिघलाने को अधिक ताप चाहिए, भगवान को पाने के लिए भी अधिक प्रेम चाहिए। वह कैसा प्रेम? मछली की तरह, जैसे मछली प्रेम करती है। बताओ किससे? किससे? पानी से। पानी में कछुआ भी रहता है, सांप भी रहता है, मेंढक भी रहता है, लेकिन मछली की विडंबना बड़ी गजब है। सांप पानी के बिना भी रह सकता है, कछुआ पानी के बिना भी रह सकता है, मेंढक थल में भी रह सकता, जल थल दोनों में रह सकता। विडंबना उस बेचारी मछली की है जो पानी के सिवा कहीं रह नहीं सकती। जो पानी के बिना रह जाए उसका प्रेम कच्चा है। अच्छा बताओ, पानी से प्रेम ज्यादा किसका कहोगे आप? कछुए का, सांप का, मेंढक का, या फिर मछली का? मछली का क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के पास ऑप्शन है थल में रहने का, जमीन में रहने का, पर बेचारी मछली के पास पानी के अतिरिक्त तो ऑप्शन नहीं है। वो पानी के बिना तड़पेगी और तड़प तड़प कर मर जाएगी, पर वो थल में नहीं रह सकती। उसी तरह आप लोगों के पास भी भगवान के अतिरिक्त पत्नी, पति, बेटा, बेटी, इनके साथ रहने का ऑप्शन है। तो आप रहते हैं पत्नी के संग, पति के संग, बेटा बेटी के संग, खुश रहें आप। लेकिन मीरा वो मछली है जो अपने पति के साथ ना रह पाई, अपने परिवार में ना रह पाई, सोना चांदी हीरे मोती के बीच में ना रह पाई। क्यों? क्योंकि संसार का आदमी या तो कछुआ है, या तो मेंढक है, या तो सांप है, लेकिन भक्त को मछली बनना पड़ेगा कि हे प्रभु, हम आपके बिना जी नहीं सकते, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। उसी तरह जब भक्त भगवान के बिना ना रहे, वो तड़प अच्छी तड़प है, और वही चाहिए भक्त को ईश्वर तक पहुंचने के लिए। वरना आप सब लोग उलझे तो हैं, आप ही तो कछुआ है, मेंढक है, सांप है, जो आप लोग दोनों जगह रह लेते हैं। आप जल में भी रह लेते हैं, मतलब आप भगवान की भक्ति में भी रह लेते हैं, और संसार, आप भगवान से भी प्रेम करते हैं और संसार से भी प्रेम करते हैं, तो आपका प्रेम बटा हुआ है। संसार से भी प्रेम है आपका, बेटी बेटा, पति पत्नी, और भगवान से भी प्रेम है आपका, तो दो भागों में डिवाइड हो गया। जबकि मछली का प्रेम दो भागों में नहीं है, उसका तो एक भाग में, उसका बटा हुआ नहीं, उसका प्रेम केवल पानी से है। कछुए का प्रेम पानी से भी है और थल से भी है, जमीन से भी। ऐसे आप लोगों का प्रेम बेटा, थोड़ा बेटे, महाराज कथा में थोड़ी देर से आएंगे, थोड़ा भी बेटे की मालिश कर रहे हैं, बच्चा है, थोड़ा बच्चे को दूध पिला, थोड़ा भोजन बना दे, पति आने वाले हैं, बच्चे आ रहे हैं, सब हो जाए फिर आएंगे कथा में। मतलब आप संसार के प्रेम को भी बैलेंस करते हैं और भगवान के प्रेम को भी बैलेंस करते हैं, इसलिए हम अध कचरे हो जाते हैं, ना यहीं के रह गए ना वहीं के रह गए। इसलिए 50 साल तक ठीक है पति पत्नी बेटा बेटी सब, पर एक उम्र होने के बाद दो तरफा रहने वाला सुखी है कि एक तरफा? जोर से।
एक तरफ रहने वाला सुखी है कि दो तरफ? दो नाव में पांव रखने वाला सुखी के एक नाव में। तो आप लोग क्यों दो नाव में पांव रखे हैं? या तो संसार को छोड़ दो तो पक्के भगवान से मिल जाओगे, और यदि संसार नहीं छूट रहा है तो भगवान को पकड़े हैं आप, पर जिस तरह से पकड़ होनी चाहिए वो आई नहीं, वो बनेगी। आप कहो तो मैं एक छोटा सा बंटवारा कर दूं आप लोगों का, कि पत्नी भी खुश रहे, पति भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे और भगवान की भक्ति भी हो जाए। कहो तो मैं एक बंटवारा कर दूं, बांट दूं, हां या ना? जोर से चलो बंटवारा करते हैं कि पत्नी भी खुश रहे। महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे परिवार भी बना रहे और भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थों को तो यही करना होता है, हमें तो दोनों को लेके चलना है, परिवार भी बना रहे और भगवान भी प्राप्त हो जाए। तो मैं आज ऐसा उपाय बताता हूं आपको, एक रास्ता नया बता दूं, करेंगे ना काम उस पर, सुनेंगे ध्यान से। एक उपाय ये है कि जैसे बड़े बड़े संतों ने, मीराबाई ने तो एक तरफा भगवान को पकड़ लिया और कल्याण कर लिया, पर हम जैसे लोग मीरा तो नहीं बन सकते, हम जैसे पापी मीरा नहीं हो सकते, ना हम जैसे पापी ध्रुव और प्रहलाद बन सकते, ना हम जैसे पापी रैदास रसखान बन सकते, हम में इतनी क्षमता भक्ति नहीं है। फिर हम क्या करें? हे गोविंद, तो क्या हम जैसे पापियों का उद्धार ना होगा? हे कन्हैया, क्या हमारी ना सुनोगे? हाँ हाँ, जरूर सुनेंगे आपकी भी, आप गृहस्थ हो ना तो आपकी जरूर सुनेंगे। तो क्या उपाय है प्रभु? तो भगवान ने उपाय बताया कि उपाय बस इतना सा कर लेना कि बंटवारा कर लो। बंटवारा कैसे कर लें? बोले पत्नी को, बेटा को, बेटी को, पति को और माता पिता को एक जगह रखो और भगवान को एक जगह रखो, अलग अलग करो। कैसे अलग अलग करें? हाँ सुनो, आपके पास आंख दो है, देखो भगवान ने बंटवारा ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन यहां आके आप सब भूल गए, कहो तो याद दिला दें। आंखें दो दे रखी हैं भगवान ने, बंटवारा हो गया। कैसे? एक आंख से पत्नी को, पति को, परिवार को और व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के चरणों को देखने में लगी रहे, भगवान के स्वरूप को देखने में लगी रहे। ये बैलेंस है, ये बंटवारा। हाथ दो है, एक हाथ से व्यापार संभालो, परिवार संभालो, पति पत्नी बाप बेटे की जिम्मेदारी संभालो, पर दूसरा हाथ सदा सेवा के लिए, परोपकार के लिए, भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल रेडी रहे। ये बंटवारा है। पांव दो दिया भगवान ने, एक पांव से बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए चलो, परिवार के लिए चलो, पत्नी पति बेटा बेटी के लिए चलो, पर दूसरा पांव सदा भगवान की कथा कीर्तन तीर्थ यात्रा के लिए बिल्कुल पांव रिजर्व रखना, बिल्कुल तैयार रखना। ये हो गया बंटवारा। अब भगवान ने कान दो दिए, कान, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, बेटा की सुनो, बेटी की सुनो, व्यापार की सुनो, परिवार की सुनो, पर दूसरा कान सदा भगवान की कथाओं के लिए बिल्कुल रिजर्व रखना, तैयार रखना। ये बंटवारा। अब सब चीजें ईश्वर ने दो दी हैं, अब बताओ दिल कितने हैं? मैया, अब यहां बात थोड़ा सा कठिन हो जाएगी। आपके पास दिल कितने हैं? दिल मैया, आपके पास कितने दिल हैं? कितने? एक। आपके पास कितने दिल हैं भैया? आपके पास एक, दो, तीन। मैया पीछे वाली मैया, कितने दिल हैं आपके पास? सबके सनावर में सबके पास एक एक दिल है। अच्छा, हमने सुना सबके पास एक ही होता है, पूछते रहते हैं शायद किसी के पास दो भी हो। दिल कितने हैं? एक। अब यहां बात आके फंस गई। अब ये बताओ कि आंख तो दो है, तो एक पत्नी को देखने में लगी है, एक भगवान को देखने में। हाथ दो है, तो एक पत्नी को थामे हैं, एक भगवान के चरणों की तरफ।
यहाँ तो बंटवारा हो गया पर दिल एक है। अब यहाँ ये कन्फर्म करो कि यहाँ दिल में पति पत्नी बेटा बेटी को बिठाओगे कि भगवान को बिठाओगे? अब दिल में किसे बिठाओगे? जोर से, दिल किसके लिए है? भगवान परिवार के लिए कि भगवान के लिए? हाँ, सबके लिए। इतना सा तो है, पत्नी लात रख देगी तो चूरा हो जाएगा। उसमें तुम पूरी बाजार बिठाओगे? चलो बताओ, दिल में किसे रखोगे तो फिर पत्नी को कहां रखोगे? पत्नी गुस्सा होगी, भैया जल्दी बंटवारा करो, आप दिल में किसे रखेंगे? हाँ, भगवान को। भैया बताओ किसे रखोगे? पत्नी को। ये चश्मों वाले भैया कह रहे हैं तो पत्नी को ही रखेंगे, नहीं पीछे वाले सफेद, बहुत प्यार करते हो, है ना? अच्छा है, होना चाहिए। दिल एक है और एक दिल में किसे बिठाना है? भगवान को। तो विडंबना ये है, फिर पत्नी को कहां बिठाएं महाराज, बच्चों को कहां रखें, पति को कहां बिठाएं? हां, इनकी जगह कहो तो मैं बता दूं, बताऊं? पत्नी को और पति को, बेटा को और बेटी को, इन्हें दिमाग में रखो। कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? भगवान को दिल में और परिवार को, भगवान को बोलो, भगवान को दिल में, परिवार को। अब दिमाग में कैसे रखा जाता है वो समझो। कई बार आपकी पत्नी आपसे बोलती है, जरा बाजार से 1 किलो गुड़ लेके आना, जरा टमाटर ले आना, जरा घी ले आना। और जब बाजार से आप आते हो और पत्नी बोलती है कि घी लाए, तो आप क्या बोलते हो? अरे तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? जोर से, अक्सर बातें दिमाग से निकलती हैं। अच्छा बताओ, क्या दिल की बातें कभी निकलती हैं? सास ने गाली दी बहू को, तो बहू ने कहा महाराज हमारे तो दिल में लग गई, 10 साल पुरानी गाली को अभी तक बहू कंठस्थ किए बैठी है, दिल में लग गई ना। पति गाली देता है, दिल में लग जाती है। लोग क्या कहते हैं? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं? तो कई लोग अपनी बातों से क्या तोड़ देते हैं? जोर से एक बात बताएं, यदि आपने संसार को दिल में रखा है तो दिल टूटेगा। संसार के लोग दिल तोड़ेंगे, एक भगवान है जो आपका दिल कभी नहीं तोड़ते। इसलिए भगवान को हृदय में बिठाओ, अपने दिल में रखो और परिवार को दिमाग में रखो। जैसे पत्नी ने पति से पूछा बाजार से सामान लाए, तो बोला दिमाग से निकल गया। पत्नी पति बेटा बेटी यदि दिमाग में रहा तो मरने के पहले दिमाग से सब चीज निकल जाएगी, और दिल में भगवान रहेंगे तो कभी नहीं निकलेंगे। और भगवान को मरते दम तक स्मरण करना है, भगवान ही याद आए, परिवार याद ना आए मरते समय। यदि ये याद आ गए हृदय वाले कन्हैया, तो फिर जन्म मृत्यु से छूट जाओगे। और यदि संसार का कोई व्यक्ति याद आया, भरत जी ने मरते समय मृग को याद किया, तो उन्हें मृग बनकर आना पड़ा।